वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट में आयरन फार्म। पहले तो हमें 20 ब्लॉक ऊपर आके यहाँ पे फ्लेक्चिंग टेबल लगानी है, पूरी की पूरी 20 20 फ्लेक्चिंग टेबल लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये हो गई भाई, और दो, एक ज़्यादा हो गई, एक तोड़नी पड़ेगी। उधर इधर हो गई ज़्यादा, इधर तोड़ देता हूँ। सही है। अब इसके तरफ चारों तरफ मतलब कोई भी ब्लॉक आप लगा सकते हो, मतलब जो भी आपको सही लगे वो लगा लो। और वैसे मैं तो स्टोन ब्रिक लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे सही लगता है, सही ब्लॉक है वैसे तो। और इधर चारों तरफ आपको लगा लगा के फिर मतलब इधर चारों की साइड साइड मतलब ग्लास लगा देना है। ग्लास से थोड़ा अच्छा लगेगा ना। यहाँ पे एक लैंप लगा देनी है क्योंकि यहाँ पे ब्लेजर वो ज़ॉम्बी स्पॉन हो सकता है ना, इसलिए, वरना वो ब्लेजर सारे बना देगा, वो ज़ॉम्बी ब्लेजर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे ग्लास लगाओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं। वैसे आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्स्ट्रा लग गया। चलो यहाँ पे चारों तरफ ग्लास लगा देने हैं आपको पूरे के पूरे। चलो मैं लगा लेता हूँ इधर, मतलब एक एक ब्लॉक और ऊपर लगाना है, रुको मैं लगा लेता हूँ। अरे वो एक नीचे का ब्लॉक टूट गया, चलो मैं लगा देता हूँ। अब इसके ऊपर से मतलब कोई भी ब्लॉक लगा दो आप, बट ऐसा होना चाहिए जिसपे वो स्पॉन हो जाए अपना आयरन गोलम, वरना कुछ ब्लॉक ऐसे होते हैं उन पर होता नहीं है ना, इसलिए ग्लास नहीं लगाना है। पूरे के पूरे पे लगा लेना है, पूरी की पूरी छत कंप्लीट कर देनी है क्योंकि इसी पे तो आयरन गोलम स्पॉन होगा। एक ब्लॉक आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो उस साइड में। वैसे आप मतलब नहीं बनाना चाहते हो तो एक ब्लॉक एक्स्ट्रा मत करो, इतना ही रहने दो यहाँ तक, बट मैं कर लेता हूँ एक ब्लॉक एक्स्ट्रा। स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए मैं एक ब्लॉक ज़्यादा कर रहा हूँ। और बाकी कोई सीन नहीं है। वैसे मैं पूरी पूरी छत कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ आगे क्या होना है, आपको बताता हूँ। 2 मिनट गाइस। चलो होगी। ये इधर उधर लग जाते हैं ब्लॉक, इनको तोड़ो फिर और टाइम वेस्ट होता है। वैसे पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है, देख सकते हो आप। अब इस पर आपको मतलब इधर ब्लेजर स्पॉन, मतलब ब्लेजर आप सर्वाइवल में होगे तो लेके आने पड़ेंगे। तो ये वाले ब्लेजर नहीं रखने, ये वाले ब्लेजर हो तो मार देना इनको, मतलब या तो फिर इनको ब्रीड मतलब बड़ा करो फूड खिला खिला के, या इंतजार करो बड़ा होने का, वरना एक कोई काम के नहीं होते हैं। एक बेड भी घेर लेते हैं और कुछ नहीं होता है। अब भागते बहुत हैं, और मतलब यहाँ पे पूरे 20 ए वाले भी नहीं रखने हैं क्योंकि ये जॉबलेस होते हैं, कोई भी जॉब नहीं लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरे के पूरे 20 ब्लेजर स्पॉन कर लूँ, फिर देखता हूँ आगे। चलो कितने हो गए, 7। ये कहाँ से आ जाते हैं बार बार। चलो कंप्लीट हो गए, मैं निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ। अब इधर ब्लॉक कर देना। अब आपको मतलब चारों तरफ इसके वॉल लगानी है, ऐसे इस टाइप से वॉल लगा देनी है चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पे मतलब अंदर पानी डाला जाएगा ना, अंदर पानी होगा तो बाहर इधर उधर ना जाए, और आयरन आयरन गोलम भी इधर उधर ना जाए। ये गलत लग गई। चलो मैं लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको पानी डाल लेना है, सर्वाइवल में होगे तो 2 बकेट पानी इनफ होगा। 2 बकेट डाल मतलब डाल के फिर अनलिमिटेड वाटर सॉस बन जाएगा ना। यहाँ पे ऐसे डाल लेते हैं, और पानी प्रॉपर यहाँ तक जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर नीचे बनेगा किलिंग चेम्बर। पहले तो यहाँ पे नीचे हॉवर लगेंगे, पहले चेस्ट लगा लेनी है, डबल चेस्ट लगा लिए मैंने।
अब यहाँ पर आपको क्राउच दबा के हॉपर लगाने हैं प्रॉपर, पूरे के पूरे भर देने वो ये हॉपर पूरे के पूरे लगा के, और फिर आराम से आप गिलास लगा सकते हो। वैसे कोई भी ब्लॉक लगा सकते हो तो गिलास होगा थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं गिलास लगा लेता हूँ। चलो कंप्लीट हो गया, गिलास तो कंप्लीट हो गया, जो तीन एक्स्ट्रा लग गए चलो मैंने तोड़ लेता हूँ। और इसके ऊपर भी आपको बॉल लगा देनी है इस टाइप से, कुछ ऐसे बिल्कुल पूरा बंद कर देना है चारों तरफ से। और फिर यहाँ पर आपको नीचे की साइड लगाने साइन बोर्ड, ऐसे इस टाइप से कुछ साइन बोर्ड लगा देना आप, क्योंकि लावा नीचे ना आए इतने पी रहे ऊपर ऊपर। और वैसे भी लावा से साइन बोर्ड नहीं जलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। प्रॉपर लगा लेने पूरे के पूरे। अब आपको दो बकेट लावा चाहिए, एक बकेट आपको डालनी है यहाँ पे और एक बकेट डालनी है आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से। और अब आपको यहाँ पर मतलब बेड लगा लेने हैं, 20 ब्लेजर हैं तो 20 बेड मतलब लगेंगे यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसे। चलो मैं लगा लेता हूँ फिर देखता हूँ। इसके ऊपर आराम से लगा लीजिए। वैसे आप चारों साइड भी लगा सकते हो और एक साइड भी, बट चारों साइड लगाओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और वैसे भी एक साइड भी अच्छा लगेगा, एक साइड पे लगा लीजिए मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, बट लगा सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बचे हुए यहाँ पर लगा लीजिए कुछ इस टाइप से। और ब्लॉक एक भी नहीं रखना है, ये बेड के जो नीचे वाले ब्लॉक हैं ये भी तोड़ने पड़ेंगे। पहले बेड लगा लीजिए फिर बाद में तोड़ देना, क्योंकि इनके ऊपर ही बेड लगेगा, वैसे तो बेड लगेगा नहीं। और मतलब एक बात का ध्यान और रखना है, क्योंकि बेड में एक ग्रीन लाइट निकलनी चाहिए, अगर ए नहीं निकली तो मतलब फिर से बेड तोड़ के आप लगा लीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं निकलेगी तो ऊपर वो भी स्पॉन नहीं मतलब ये आयरन गोलम भी अपना स्पॉन नहीं होगा। यहाँ आपको प्रॉपर तोड़ लेने हैं जितने भी ब्लॉक हैं आराम से। चलो ये मैंने सारे के सारे तोड़ लिए। अब आप देखिए यहाँ पर कितने सारे आयरन गोलम स्पॉन हो रहे हैं, थोड़ी बहुत बिल्लियाँ भी मर रही हैं वैसे, बट हो रहे हैं। और ये मतलब उसमें पोकेट एडिशन और जावा में दोनों में काम करता है ये आयरन फार्म, दोनों में मतलब वर्क करेगा आपका। और इसी के साथ बाय बाय गाइस, वीडियो को एंड करते हैं।